हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण शोराण। आज हम बात करेंगे कि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है और कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो कवर की जाती हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब होता है कि कंप्लीट कवरेज इंश्योरेंस पॉलिसी। आपका व्हीकल जो टू व्हीलर है या प्राइवेट कार है या कमर्शियल कार है, तो आपका व्हीकल किसी भी प्रकार से या किसी भी प्रकार से होने वाले आपके व्हीकल के साथ जो नुकसान है वो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कवर किए जाते हैं, यानी कि उनका आपको क्लेम मिलता है। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर जो आपका ओन डैमेज जो कवरेज होते हैं, ओन डैमेज का मतलब है कि आपके व्हीकल को होने वाले नुकसान, तो आपके व्हीकल को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वो क्या होते हैं। आपके व्हीकल को होने वाले नुकसान हो सकते हैं कि नेचुरल एक्टिविटी, जैसे कि फायर है, एक्सप्लोजन है, सेल्फ इग्निशन है। दूसरा क्या है, अगर आपका व्हीकल बारिश की वजह से डैमेज होता है, आंधी की वजह से डैमेज होता है, बाढ़ की वजह से डैमेज होता है, कोई चक्करवात आता है उसकी वजह से डैमेज आता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने आपका व्हीकल कहीं ऐसी जगह पे पार्क किया हुआ है जहाँ पे रॉक स्लाइड या लैंडस्लाइड होने के ज़्यादा चांसेज होते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन है वो अंदर खिसक जाती है, चट्टान है जो अंदर खिसक जाती है, और उससे आपके व्हीकल को जो नुकसान होते हैं वो सारी चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कवर की जाती हैं। या उसके बाद क्या है, मैन मेड एक्टिविटीज़। मैन मेड एक्टिविटीज़ में क्या है कि बर्गलरी है, आपका व्हीकल है चोरी हो गया है, ठीक है, कहीं पे कोई दंगा हो रहा है, कहीं पे कोई हड़ताल हो रही है, जुलूस निकल रहा है, तो अगर उन हड़ताल या दंगे की वजह से आपके व्हीकल को कोई नुकसान होता है, आपका व्हीकल वहाँ पर डैमेज हो जाता है, या आपके व्हीकल के साथ कोई एक्सटर्नल एक्सीडेंट होता है, यानी कि आपने व्हीकल है कहीं ऐसी जगह पार्क किया हुआ जहाँ पे कोई बिल्डिंग बन रही है और वहाँ से कोई पत्थर या ईंट का टुकड़ा गिर के आपकी व्हीकल पर लगता है और उससे आपका व्हीकल जो डैमेज होता है या बिल्डिंग गिर जाती है उससे आपके व्हीकल को कोई नुकसान होता है, तो वो सारी चीज़ें कवर की जाती हैं कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर। उसके बाद क्या है कि आपका व्हीकल है वो कवर हो गया। उसके बाद है पर्सनल एक्सीडेंट कवर फॉर ओनर ड्राइवर, यानी कि जो आप जिसके नाम से व्हीकल है, जो व्हीकल का ओनर है, अगर किसी हादसे में उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जो डेथ का जो कंपनसेशन है, यानी कि उसका जो क्लेम है वो उसको मिलता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, यानी कि आपका जो ओनर है वो भी कवरेज हो गया है। और जो पर्सनल एक्सीडेंट कवर फॉर ओनर ड्राइवर का जो अमाउंट है वो 15 लाख रुपये, अगर किसी हादसे के दौरान ओनर ड्राइवर की डेथ हो जाती है तो उसको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दिया जाता है पर्सनल एक्सीडेंट कवर फॉर ओनर ड्राइवर के अंदर। उसके बाद क्या है कि थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी जिस बंदे के पास है, अगर उसकी व्हीकल से किसी थर्ड पार्टी बंदे को कोई इंजरी होती है या उसकी डेथ हो जाती है या उसकी कोई भी प्रॉपर्टी है, किसी भी प्रकार की उसकी कोई प्रॉपर्टी है वो डैमेज हो जाती है, तो वो भी इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है। फिर बात आती है एड ऑन कवर की। एड ऑन कवर क्या होते हैं, आप अपने हिसाब से, अपने व्हीकल के हिसाब से आप अपने एड ऑन कवर उसके अंदर, इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर उसको आप ले सकते हैं। जैसे कि अभी जीरो डेप्रिसिएशन एक एड ऑन कवर है, इंजन प्रोटेक्ट एक एड ऑन कवर है, रोड साइड असिस्टेंस एक एड ऑन कवर है, टायर प्रोटेक्ट है वो एक एड ऑन कवर है, कंज्यूमेबल्स प्रोटेक्शन वो एक कवर है, RTI रिटर्न टू इनवॉइस वो एक एड ऑन कवर है। वो एड ऑन कवर आप अपने व्हीकल पर अपने हिसाब से आप अपने व्हीकल के लिए ले सकते हैं। उसके बाद जो एड ऑन कवर बाकी के जो एड ऑन कवर हैं वो है लीगल लाइबिलिटी टू पेड ड्राइवर, पर्सनल एक्सीडेंट कवर फॉर अननेम्ड पैसेंजर, तो ये सारी चीज़ें आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर आप ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर वो क्या क्या चीज़ें हैं जो इंश्योरेंस कंपनी जो कवर करती है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, आपका कोई क्वेरी अगर रहता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी, अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का, आपकी क्वेरी का वहाँ पर ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको आसानी से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।